वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोपों का सिलसिला थम नहीं रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुरारी लाल दुबे ने भी प्रेस वार्ता कर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भूमाफिया होने, मंदिरों और ट्रस्टों की जमीनों को बेचने और कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आजादी के बाद कॉविनेंट के तहत जो जमीन और जायदाद उन्हें मिली है उसका ट्रस्ट बनाकर संपत्ति घोषित नहीं करने के आरोप लगाए हैं। मेरा आरोप यह है कि जितनी जमीनें सिंधिया जी घेर रहे हैं, इंक्लूडिंग कुत्ता समाधि और मंदिरों की, जो भी बेच रहे हैं वो गलत बेच रहे हैं, उनकी संपत्ति नहीं है। और वो संपत्ति शासन की है, लेकिन प्रशासन के लोगों से मिलके उन्होंने इस तरह की स्थिति बनाई है कि हाईकोर्ट के एक निर्णय का हवाला देकर और उससे सब नामांतरण अपने नाम करा दिया। राज्यसभा सांसद और ग्वालियर